नाश्ते में पराठा भुजिया तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और टाइम कम है, टिफ़िन ले जाना है अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या करती हैं, और फटाफट से आपको पराठा भुजिया बनानी है और भुजिया टेस्टी हो। तो कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा आपको कि आप कहेंगे कि आप हर दिन यही रेसिपी, यानी हर दिन आप पराठे के साथ यही भुजिया लेकर के जाएंगे। इसके लिए हमें आलू को चौकोर शेप में काटा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आलू को एकदम अच्छे से धोया जाता है, वरना अगर आलू अच्छे से साफ़ नहीं होती है तो इसका जो लसलसापन होता है वो कढ़ाई में चिपकने लगता है, जिसकी वजह से भुजिया अच्छे से बन नहीं पाती है, क्रिस्पी नहीं हो पाती है, कोई बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा जल जाता है। इसीलिए 3 से 4 बार पानी में अच्छे से आलू को धो करके एकदम साफ़ कर लें। थोड़ा सा इसको पानी अलग होने दें। अब हम भुजिया बना रहे हैं तो थोड़ा तेल की क्वांटिटी अच्छी रखें, क्योंकि तेल जो है वो बच जाता है भुजिया में। तेल को अच्छे से एकदम गरम कर लें। अब आधी छोटी चम्मच छौंक में साबुत जीरा, हींग आधी छोटी चम्मच। भुजिया में ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं और इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे साबुत जीरा हो गया, हींग हो गया। हींग को अच्छे से पहले इसका फ्लेवर अच्छे से हमने तेल में घुलने दिया है, उसके बाद हम डाल रहे हैं आलू। आलू को थोड़ी देर यानी आधे मिनट तक हाई फ्लेम में तेल में हल्का सा भून लें, ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। अब एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, अगर आपके पास फ्लेक्स है तो डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, फ्लेक्स है कूट करके भी डाल सकते हैं। साबुत जीरा को अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लें। और अब ये बहुत बढ़िया से मसाले जो है भुन चुके हैं, सिर्फ आधा मिनट लगा भुनने में। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा तामझाम भुजिया में करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस एक चीज़ ध्यान में रखना होता है, गैस का फ्लेम एकदम हाई रखिए, हाई फ्लेम में भुजिया अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा यानी आधी छोटी चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च का तो प्रयोग किया नहीं है, तो ये लाल मिर्च कलर और तीखापन दोनों ही देगा। अब एकदम बढ़िया से इसको आधे से एक मिनट तक हाई फ्लेम में गैस पे भूजते रहेंगे और बस हमारी भुजिया बन करके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आप इसमें आमचूर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इससे स्वाद इसका बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, लेकिन आप अगर डालेंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा भुजिया कौन नहीं खाना पसंद करेगा, ये भुजिया हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इतना सुंदर इसका कलर है, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम क्रिस्पी सा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 5 मिनट में ये भुजिया बन करके तैयार हो गई है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, पराठा बना करके रख लीजिए, उस 5 मिनट में ये भुजिया बन करके तैयार हो जाएगी और फटाफट से आप नाश्ता भी कर सकते हैं और टिफ़िन भी ले जा सकते हैं। तो ये ट्रिक और ये टिप्स ये आपको कैसे लगी हमें ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स जो आपके कलिंग हैं, उन सबको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।